आप सीखने का हौसला हो तो जिंदगी में कभी भी कुछ भी सीखा जा सकता है। ये तो सिर्फ आपकी जिंदगी में, आपके इस क्लास में सीखे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। हौसला रखिए, उम्मीद रखिए और खूब मेहनत करिए, आप ये सारे क्वेश्चंस एक ना एक दिन सीख जाएंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल्स ऑफ रुपीस 2 lakh, 2 lakh and 80,000 रेस्पेक्टिवली। ऑन 1st April देयर करंट अकाउंट बैलेंस वर रुपीस 20,000, 10,000 and rupees 5,000। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। बी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वर ऑल्सो entitled means allowed to a salary of rupees 6000 per quarter, the profit were to be divided as follows: first rupees 60000 in proportion of their capitals, next rupees 1 lakh in the ratio of 4-3-1 or remaining profit to be shared equally. aur firm ki profit hai 2 lakh 80000। beta ek baat aap confirm kar lo, is question mein jo naya hai wo profit ka division naya hai। उसका रीजन है, अभी तक एक सिंगल रेशियो होता था और आप प्रॉफिट को उस रेशियो में बांट देते थे, बट आज क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट का जो डिवीजन है वो इस 3 टाइप्स में होगा। बेटा क्वेश्चन इजी है, अच्छा समझ में आएगा। अब आप यहां समझना, क्वेश्चन में कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है, मींस पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम मिलेगा। दूसरी चीज, आपके इस क्वेश्चन में बी बीइंग द वर्किंग पार्टनर उसे सैलरी मिलेगी 6000 पर क्वार्टर, और बेटा क्वेश्चन को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्योंकि क्वार्टर दिया है तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि क्वार्टर मींस 1/4 होता है, मींस ये 6000 अपने आप में 1/4 है और आपको पूरा यानी 1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए 6000 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेटा एक चीज मैं आपको और बता दूं जो क्वेश्चन में नहीं पूछा है, बट आपका मन करेगा या आप कर भी लेना तो आप अच्छे से सीख जाओगे। ये क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल का है, और कैसे पता लगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो जो बैलेंस दिया है ना वो करंट अकाउंट बैलेंस दिए हैं, और करंट अकाउंट का बैलेंस अगर क्वेश्चन में दिया है इट मींस वो क्वेश्चन आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से बिलोंग करता है। हम आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिटेल में बता देते हैं। आपकी ड्यूटी ये होगी कि आप इस क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर कर लीजिएगा, भले क्वेश्चंस में नहीं पूछा है आप सीख जाओगे। बेटा अब हम एक एक पॉइंट इसका आपको एक्सप्लेन कर लें। बेटा इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप समझो इस पर। देखो लिखा गया बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट 2 lakh 80,000। बेटा डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 lakh rupees ए और 2 lakh rupees बी की कैपिटल है, 80,000 rupees सी की कैपिटल है। तीनों के 10% आपको कैलकुलेट करने हैं, तो ए का 20,000, बी का 20,000, सी का 8,000। इस तरीके से टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 48,000 हुआ। बेटा सैलरी टू बी कह रहा है 6,000 पर क्वार्टर कह रहा था, तो 6,000 को 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 24,000 आ गए। अब बेटा आप समझो, क्रेडिट साइड का टोटल 2 lakh 80,000 है, डेबिट साइड के दो ये फिगर्स हैं इनका टोटल 72,000 है, तो जो डिफरेंस अमाउंट आई वो 2 lakh 8,000 आई, और ये 2 lakh 8,000 rupees इस क्वेश्चन में प्रॉफिट की फिगर। अब बेटा ये जो प्रॉफिट है ये हो गया 2 lakh 8,000 का। देखो हमने लिखा है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन आपका फिक्स्ड कैपिटल का है, और आपको पता है जब कैपिटल फिक्स होती है तो ये सारे आइटम्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। अब बेटा 2 lakh 8,000 में ए और बी और सी के शेयर्स कितने होंगे ये हम आपको डिटेल अलग से कैलकुलेशन करा दे रहे हैं, वहां पे टोटल फिगर करा देंगे, उसको आप यहां पे लाके मेंशन कर लेना, बस ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। बेटा इस कैलकुलेशन को आप बहुत ही क्लियर समझना, ध्यान से समझना। बेटा ये प्रॉफिट दी गई है 2 lakh 8,000, हमने इस 2 lakh 8,000 की जो प्रॉफिट थी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और कैसे समझो,
ए पॉइंट कह रहा था फर्स्ट रुपीज 60,000, बी पॉइंट कह रहा था नेक्स्ट रुपीज 1 लाख, और सी पॉइंट कह रहा था रिमेनिंग। रिमेनिंग मीन्स जो बचा हो। तो बेटा पूरी प्रॉफिट है 2,08,000 की, ये आप देख रहे हैं। 60,000 ए कॉलम का, 1 लाख बी कॉलम का, जब आप डिडक्ट कर दोगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट हुई 48,000। अब बेटा क्वेश्चंस आप देन दो और अच्छे से। पहले कह रहा था कैपिटल प्रोपोर्शन में, तो बेटा कैपिटल 2,02,80,000 है, इसका रेशियो फाइंड करने के लिए 440 आप कैंसिल करेंगे, तो 404040 कैंसिल हो गए, हमने 4 से डिवाइड किया, तो 4 2 8 4 5 20 4 5 20, तो बेटा ये आपका आया 5 5 2, ये 12 हो गया। तो इस 60,000 को इस रेशियो में डिवाइड कर दिया हमने लाइक दिस। 1 लाख रुपीस को इस रेशियो में बोलना था तो 4 + 3 + 1 = 8 होता है, तो 1 लाख को इस रेशियो में डिवाइड कर दिया गया, ये कैलकुलेशन। अब बेटा कह रहा था कि रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली, तो एबीसी थे इसलिए 111 कर दिया, तो 48,000 को एबीसी में डिवाइड कर दिया। अब बेटा एक बात कंफर्म है, ये प्रॉफिट एक ही है, ये भी एक ही है और ये भी एक ही है, तो यार जब तीनों एक ही है तो ए ए और ए ए ही तो होंगे ना, तो ए को आप ऐड कर दो, तो ए की तीनों प्रॉफिट ऐड कर दी गई लाइक दिस, बी की तीनों प्रॉफिट ऐड कर दी और सी की तीनों ऐड कर दी, तो ए का फाइनल सेल हुआ 91,000, बी का 78,500 और सी का 38,500, तो ये इनके शेयर हो गए। अब बेटा यही जो फिगर आई है वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट में आप इनको ट्रांसफर कर देंगे। तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। बेटा एक बात और सुन लो, आप देखो आप जितने क्वेश्चंस कर रहे तो देखो हम आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल ये दोनों सिखाते चल रहे हैं। बेटा इन सारे क्वेश्चंस की जो जर्नल एंट्रीज होंगी वो लास्ट में हम जब ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो जर्नल एंट्रीज का एक स्पेशल क्लास हम आपको बता देंगे, तो जो जर्नल एंट्री वन डे हो पास होगी वो सारे क्वेश्चंस के लिए सेम एप्लीकेबल होगा। तो जर्नल एंट्रीज की आप चिंता अभी एकदम मत करो, अभी आप केवल इतना काम करिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन सीखिए और पार्टनर्स कैपिटल सीखिए, एंट्रीज हम आपको सिखा देंगे, इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान देना बड़ा, इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, आप एक पॉइंट समझते जाइए। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आएंगे और क्रेडिट साइड में इनकम एंड गेंस आएगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म के पॉइंट से बनता है और फर्म के पॉइंट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ये तीन चीजें फर्म के पॉइंट से एक्सपेंसेज है और अगर ये क्वेश्चन में है तो पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के पॉइंट से इनकम होती है और अगर क्वेश्चन में है तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में शो किया जाएगा। अब आप बेटा क्वेश्चन समझना। ए पॉइंट कह रहा है ए इज टू बी अलाउड अ मंथली सैलरी ऑफ ₹600 एंड बी इज टू बी अलाउड अ मंथली सैलरी 400। कंफर्म बात है, क्वेश्चन में सैलरी दिया है, सैलरी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगी। नेक्स्ट पॉइंट, सी विल बी अलाउड अ कमीशन, सी को कमीशन मिलेगा, कमीशन फर्म अलाउ करेगी तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में और लास्ट में नेट प्रॉफिट दिया है, ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में। तो बेटा आप देखो क्वेश्चन कितना इजी है, ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे केवल 4 पॉइंट्स हैं, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तीन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप शो करेंगे। क्वेश्चन में कमीशन का पॉइंट थोड़ा सा समझना है आपको, कह रहा सी विल बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। बेटा अगर केवल यही लिखा होता है ना कि 5% ऑफ नेट प्रॉफिट तो बहुत इजी क्वेश्चन था, 1,72,000 का आप 5% कैलकुलेट कर देते और आपके क्वेश्चंस में आंसर आ जाता। बट बेटा क्या क्या रहा है, कह रहा है नेट प्रॉफिट कौन सी होगी आफ्टर अलाउइंग सैलरी ऑफ ए एंड बी, मींस
इस प्रॉफिट पर वो 5% नहीं लेगा, उसे 5% चाहिए उस प्रॉफिट पर जिस प्रॉफिट में से हमने माइनस कर दिया हो ए और बी की सैलरी को। तो बेटा खाली इतना आप समझ लो, जब आप कमीशन कैलकुलेट करोगे सी का, तो सी का कमीशन कैलकुलेट करने के लिए इस फिगर से ए और बी के सैलरी को माइनस कर दो और जो माइनस करके बचेगा उसका 5% हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये तो बेटा ओरल एक्सप्लेनेशन था, अब हम रिटन आपको करा देते हैं, जो डाउट्स होगा आप मुझे बताइए। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक बार आप फिर से समझिएगा, एक्सप्लेन किया था फिर आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। बेटा क्वेश्चन में प्रॉफिट दी गई थी 1,72,000, तो देखो हमने लिखा है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,72,000, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बेटा ड्रॉइंग्स केवल बी और सी ने किया है, अब आप ये मत अपना दिमाग लगाओ कि ए ने ड्रॉइंग्स क्यों नहीं किया, अरे यार क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। बी की ड्रॉइंग्स 10,000 और सी की ड्रॉइंग्स 15,000, लेकिन बेटा आपने क्वेश्चन में एक चीज नोटिस किया होगा, 4% के साथ पर एनम वर्ड नहीं दिया है और आपसे लगातार कहा जा रहा है कि अगर ड्रॉइंग्स के परसेंटेज के साथ पर एनम ना लगा हो तो हम टाइम कंसीडर नहीं करते, मतलब पूरे ईयर का कैलकुलेट कर देंगे। तो सिंपल सा 10,000 का 4% और 15,000 का 4%, ये 400 ये 600 और टोटल आया आपका 1,000। आप डेबिट साइड में देखो, टू सैलरी टू ए एंड बी, ए की सैलरी 600, बी की सैलरी 400, लेकिन पर मंथ था बेटा, और क्वेश्चन क्या लिखा है फॉर द ईयर एंडेड, मतलब आपको वो फिगर ईयर में कन्वर्ट करनी है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 600 into 12, 400 into 12, और जब आप इनका सम करोगे तो ये 12,000 आएगा। बेटा इस क्वेश्चन में सबसे इजी भी कह सकते हो और इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो खेल जो है वो कमीशन का है। तो टू कमीशन टू सी 8,000 कैसे आया, इस पॉइंट पर बेटा बहुत ध्यान से आप देखा, क्वेश्चन में कहा था प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर सैलरी, तो बेटा प्रॉफिट कितनी थी 1,72,000, कह रहा सैलरी को माइनस कर दो, तो सैलरी हमने माइनस कर दिया 12,000, ये 12,000 है सैलरी, तो अगर 172,000 में 12,000 आप माइनस कर देंगे तो बेटा अमाउंट बचेगी 1,60,000, और क्वेश्चन में सिंपल कहा था 5%। बेटा क्वेश्चन में बिफोर या आफ्टर चार्जिंग कमीशन नहीं कह रहा है, ध्यान से सुनना फिर से मेरी बात, क्वेश्चन में बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग एकदम नहीं कह रहा है, तो बेटा जब क्वेश्चन बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग नहीं कहता तो हम क्वेश्चन बिफोर चार्जिंग ही मानते हैं। तो बिफोर चार्जिंग का फार्मूला आपने पढ़ा है प्रॉफिट इनटू परसेंटेज अपॉन 100, तो 1,60,000 इनटू 5 अपॉन 100, तो ये 8,000 आएगा, तो बेटा ये मैंने 8,000 लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी की ये कैपिटल है 6% इंटरेस्ट, तो टोटल इन तीनों का आया 36,000। अब बेटा एट लास्ट क्रेडिट में ये दो फिगर थे तो 173 हो गया, डेबिट के ये तीन फिगर आपने नोट किए तो इनका सम आया 56,000, हमने डिफरेंस किया तो इसका डिफरेंस आया 1,17,000, ये प्रॉफिट है। क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल दिया था, इसलिए देखो लिखा है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट ए बी और सी। बेटा एक इंपॉर्टेंट बात और समझना, क्वेश्चन में रेशियो मेंशन नहीं था, और आपको मैं बार बार यही कह रहा हूं जब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया हो तो वो इक्वल रेशियो होता है, और इक्वल का सेंस आपका ये है ए बी सी है, अब कोई भी नंबर आप लिख दो, बस वो नंबर तीनों में एक ही लिखना, तो 1, 1 और 1, तो 1 + 1 + 1 बेटा ये 3 हो गया, तो 1/3, 1/3, 1/3, तो 39,000 ईच आया, तो ये टोटल हो गया 1,17,000, और टोटल आपका यानी 1,17,000, फिर लास्ट में आप टोटल करेंगे तो ये आएगा 1,73,000। बेटा एक दो बार क्वेश्चन सॉल्व करो समझ में आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना। बेटा इस क्वेश्चन में लता एंड ममता टू पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल 3,00,000 and 2,00,000 रुपीज है, क्वेश्चन में प्रॉफिट दी गई है 2,26,440 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बेटा ये लोन का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा समझ में आएगा।
बड़ा प्यारा इन पॉइंट्स को हम लोग समझ लें, बहुत जल्दी आपको अच्छे समझ में आ जाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट, मैं ऐसे याद करते चलो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में, लता सैलरी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में। बेटा जो इंटरेस्ट ऑन मुमताज लोन दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन कभी भी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। मींस आप इतना याद रखो कि इंटरेस्ट ऑन लोन कभी भी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। तो बेटा अभी इसका कैलकुलेशन करके अमाउंट डिडक्ट कर देंगे, बट थ्री पॉइंट्स हैं उनको आप सीख लो, क्वेश्चन इजी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, सैलरी डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में। बेटा एक पॉइंट आज ये भी नया है, 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। ये भी टॉपिक आपकी नहीं है, हम सॉल्यूशंस के साथ आपसे डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहला काम हम लोग इंटरेस्ट ऑन ममता लोन अकाउंट ऑफ ₹80,000 फॉर द होल ईयर कैलकुलेट करेंगे। लेकिन बेटा एक इंपॉर्टेंट बात आप समझो, पूरा क्वेश्चन आप भी एक बार पढ़ लो, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंटेज क्या होगा ये मेंशन नहीं है। बेटा हमने फर्स्ट डे आपसे बताया था कि रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में कि इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड 6% पर एनम। मींस अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंटेज नहीं दिया हो तो 6% पर एनम हम कैलकुलेट करेंगे। मींस ममता को इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए इस 80,000 का 6% मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये 6% कैलकुलेट करके जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं की जाएगी। हाँ एक बात सच है कि इस अमाउंट से इंटरेस्ट की अमाउंट हम माइनस जरूर करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट को प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में शो नहीं किया जाता, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की चीजें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती हैं। अब बेटा इसका सलूशन आप समझना। बेटा इंटरेस्ट ऑन ममता लोन फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैलकुलेट करेंगे। बेटा इस क्वेश्चन में ममता का लोन 80,000 रुपीज गिवन है, उसका 6% आप निकालेंगे तो ये 4800 आएगा। बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन सबसे पहले इसलिए कैलकुलेट होता है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम पहले अलाउ करते हैं, तो ये 4800 आया। बेटा क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया था 2,26,440, तो इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस कर दिया गया तो रिमेनिंग प्रॉफिट आई 2,21,640। बेटा यही वो प्रॉफिट है जो बिफोर मेकिंग एनी एप्रोप्रिएशन है, इसलिए यही प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो की जाएगी। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट 2,21,640। अब बेटा एक एक पॉइंट आप समझना, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लता एंड ममता, बेटा 36,000 रुपीज की ड्राइंग्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था 8% पर एनम। बेटा देखो पर एनम दिया है तो मंथ्स कंसीडर होगा, डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दी गई है तो 6 मंथ का आप कैलकुलेट करेंगे, तो 8/100 और इंटू 6/12। लाइक दिस फॉर ममता 48,000 टू 8/100 इंटू 6/12, तो ये फिगर हो गई। जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये 3,360 आएगा। बेटा इस चीज को फिर से आप सुन लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम दिया है पहली चीज, तो जब 8% पर एनम दिया है और डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दी है तो हम 6 मंथ का कैलकुलेट करते हैं। अब बेटा इस साइड आप देखना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो सिंपल होता है, 3 लाख का 7% और 2 लाख का 7%, दोनों की टोटल आएगी 35,000। टू सैलरी टू लता 2,500 पर मंथ कह रहा है, और पर मंथ कहने पर ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2,500 इंटू 12 आप करेंगे तो ये 30,000 आएगा। अब बेटा एक बात यहां से आप समझने की कोशिश करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी ये दोनों फिगर मिला करके हो गया 65,000, ये डेबिट का हो गया, ये दोनों टोटल क्रेडिट का हुआ 2,25,000।
बेटा जो डिफरेंस आया वो 1,60,000 आया, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है या जो आप प्रॉफिट कहते हो। बेटा एक बात आप समझो, अगर क्वेश्चन में रिजर्व को लेकर के कुछ ना कहता, ध्यान से सुनना बेटा, अगर क्वेश्चन में रिजर्व को लेकर कुछ भी नहीं कहता तो हम इस 1,60,000 को 70 और 30 में डिवाइड कर देते बिटवीन द लता एंड ममता। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व क्रिएट करना है। तो देखिए यहां पे लिखा है टू रिजर्व, 1,60,000 का 1/10, तो 1,60,000 इंटू 1/10 आप करोगे तो ये 16,000 हुआ। अब बेटा आप खुद ही सोचो, प्रॉफिट 1,60,000 थी, फ्यूचर के लिए अलग कर दिया गया 16,000, तो आज पार्टनर्स में जो डिवीजन होना है वो केवल कितने का होना है, 1,44,000 का। तो बेटा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल कहीं नहीं कहा है, तो फिक्स्ड नहीं कहा है तो प्रॉफिट सीधे कैपिटल में ट्रांसफर होगी, तो लता कैपिटल और ममता कैपिटल 1,44,000 इंटू, बेटा क्वेश्चन में 70% कहा था तो 70/100, और इसके लिए 30% तो 30/100, ये दोनों के अलग अलग कैलकुलेशंस हो गए और इनका टोटल आया 1,44,000 जो वहां पर डिवीजन है, तो 225 हो गया। तो बेटा ये था सलूशन इस क्वेश्चन का। बेटा इन क्वेश्चंस पे अच्छे से प्रैक्टिस करिए जिससे कि आपकी नॉलेज और इनहेंस हो। कोई भी प्रॉब्लम आती है बेटा पहले आप 1, 2, 3 टाइम्स आप सॉल्व करो, फिर देखो प्रॉब्लम अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। एक क्वेश्चन आप पढ़ते हो ना तो उससे 50% सलूशन आपका होता है, कुछ आप और पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से नॉलेज आ जाएगी। तो हम आपसे यही कह रहे हैं ना कि आप क्वेश्चंस को 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स एटलीस्ट बेटा आप सॉल्व करो, और आप कंफर्म मान लो कि अगर आप इतनी बार सॉल्व करोगे और जितना जैसे नहीं आता आप रिपीट कर लो, क्योंकि आपके पास तो जो है पूरी रिकॉर्डिंग होती है तो आप उसको रिपीट कर लो। आपका एक फायदा यह होगा ना कि आपको जहां भी प्रॉब्लम्स है आप सीख जाओगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस, और कल हम कुछ क्वेश्चंस के साथ और आपसे डिस्कस करेंगे। ओके बाय बाय बेटा।